हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज अनुज चिंद और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ नया टॉपिक। आज आप करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन इक्विटोरियल पॉइंट ऑफ ए डायपोल। पहले प्रीवियस वीडियो के अंदर अपन ने किया था एक्सियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक डायपोल की, एक्सियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट किया था। अब करने वाले हैं उसकी इक्विटोरियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। ठीक है, तो ओनली मैग्नीट्यूड है, अपने को डायरेक्शन यहाँ पर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट करते थे, डायरेक्शन भी कैलकुलेट करते थे, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी व्हाइल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो इसीलिए अपने को सिर्फ मैग्नीट्यूड ही कैलकुलेट करना है, जो डायरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पर नहीं है, तो थोड़ा ईजी हो जाता है। तो डायपोल कंसिडर करते हैं एक, तो ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू चार्ज है और सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। कितना होता है ये डायपोल? 2L लेते हैं। इक्विटोरियल लाइन कौन सी होती है जो उसके सेंटर में से पास करे? ठीक है, तो ये इक्विटोरियल लाइन है सपोज, और इस इक्विटोरियल लाइन के ऊपर P पॉइंट ये अपन ले लिया जो R डिस्टेंस पे है, जो R डिस्टेंस पे इक्विटोरियल लाइन के ऊपर। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? L हो गया, और ये डिस्टेंस भी कितना हो गया? L हो गया। ठीक है, माइनस क्यू की वजह से इस P पॉइंट के ऊपर अपने को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, और प्लस क्यू की वजह से इस P पॉइंट के ऊपर अपने को क्या करना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये अगर डिस्टेंस L है, ये वाला L है, ये भी L है, तो अपने को ये वाली वैल्यू चाहिए। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, है ना, इसके बारे में लिख लेना अपने नोट्स के अंदर सारा कुछ। मैं बार बार हर वीडियो के अंदर यही बातें कहता हूँ बेटे आपको। ठीक है, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या आ जाएगा ये? हाँ जी, एच स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या होता है? बी स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर। ठीक है, तो एच क्या है यहाँ पर अपने पास? ये जो अपने को निकालना है, ठीक है, एच स्क्वेयर इज इक्वल टू बेस के अपने पास एल स्क्वेयर, और पी क्या चीज है ये? परपेंडिकुलर क्या चीज है ये? आर स्क्वेयर। ठीक है, तो एच इज इक्वल टू क्या हो गया? स्केयर रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर। ठीक है, तो ये वैल्यू अपने पास कितनी आ गई? स्केयर रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर। सिमिलरली ये साइड भी कितनी आ जाएगी? आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर का स्केयर रूट, इतनी साइड आ जाएगी ये भी। ठीक है, अब माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालें, तो आप बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस चार्ज, हाँ जी, नेगेटिव साइन साथ में ऑलरेडी लेना है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी मैंने आपको ये सारी बातें बताई हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर नेगेटिव साइन जरूर कंसिडर करना है। अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? पॉजिटिव होगा। नेगेटिव की वजह से, चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, तो माइनस क्यू की वजह से क्या होता है? के क्यू बाय आर, आर कितना हो जाएगा? आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर का स्केयर रूट। ठीक है, इक्वेशन नंबर वन। अब ऐसे ही पॉजिटिव की वजह से इसके ऊपर निकालते हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज कितना होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के, हाँ जी, प्लस क्यू की वजह से प्लस क्यू, और अपॉन में डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर से, इक्वेशन नंबर टू। हाँ जी, तो अब नेट पोटेंशियल कितना होगा पी पॉइंट के ऊपर? नाउ द नेट, या बोल दें टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट पी, तो क्या आ जाएगा? दोनों को ऐड कर देंगे, वी प्लस क्यू प्लस वी माइनस क्यू, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या लिखा जाएगा? ये वी इज इक्वल टू के क्यू बाय आर प्लस एल स्क्वेयर, और इसका क्या था? स्केयर रूट था। ठीक है, हाँ जी, तो माइनस क्यू वाला माइनस साइन साथ में लगेगा ना, तो माइनस के क्यू बाय रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर। तो एक प्लस का, एक माइनस का, तो आपस में क्या हो गया? कैंसल आउट हो गए, तो नेट पोटेंशियल क्या हो गया? जीरो होता है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना, एक इक्विटोरियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा जीरो होती है, और एक्सियल लाइन के ऊपर कितनी थी? के पी बाय आर स्क्वेयर, और इक्विटोरियल पे क्या होती है? जीरो होती है।
ठीक है, तो आई थिंक ये बात आपको क्लियर होगी होगी। और इसके सेंटर पे भी अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे एक पॉइंट मुझे और ध्यान में आ जाता है कि अगर आप ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, अगर मैं इसके सेंटर पे भी पोटेंशियल निकालूंगा ना, जितना इस तरफ पोटेंशियल होगा उतना इस तरफ पोटेंशियल होगा, तो नेट पोटेंशियल यहाँ पर क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ठीक है, क्योंकि माइनस की वजह से नेगेटिव पॉजिटिव, तो नेट पोटेंशियल सेंटर पे भी जीरो होता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी लिख लेना, एक द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्विटोरियल लाइन एंड एट द सेंटर ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, तो आई थिंक ये बातें क्लियर होगी होंगी आपको। तो थैंक यू सो मच।